अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू अपडेट्स ऑफ यूट्यूब। आज की वीडियो जो है वो हमारे यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए हैं, बिकॉज आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूब के तीन नई अपडेट्स के बारे में, जो कि कुछ टाइम बाद यूट्यूब के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज दैट इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल टिल नाउ, तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके भी आप लोग मेरे चैनल को इजिली सब्सक्राइब कर सकते हो। या इसके अलावा जो आप वीडियो देख रहे हो उसके नीचे भी इसी तरह के एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन छोड़ा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आपको आप लोग मेरे चैनल को इजीली सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका बेनिफिट ये होगा कि जब मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगा और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस नहीं करोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट कर लेते हैं कि यूट्यूब की नई तीन अपडेट्स कौन कौन सी हैं, जो कि थोड़े टाइम बाद यूट्यूब अपने जावा इंटरफेस में इम्प्लीमेंट करने वाला है। उसमें से सबसे पहला अपडेट ये है कि जब आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, यूट्यूब के ऊपर लाइव आते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग कुछ भी बोल रहे होते हो और वो आप लोग वीडियो अपलोड कर देते हो लाइव स्ट्रीमिंग करके सिंपली। लेकिन अब से ये नई फीचर के थ्रू एक टेक्नोलॉजी है ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, जिसके बेस पर वो टेक्नोलॉजी करेगी क्या कि जब भी आप लोग लाइव आ रहे होंगे और कुछ भी बोल रहे होंगे तो वो आपकी वॉइस को रिकग्नाइज करेगा, राइट? और आपकी वॉइस को रिकग्नाइज करके जो भी आप बोल रहे होंगे उसको एज अ कैप्शन बनाकर आपकी वीडियो के नीचे शो कर रहा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो वो ऑटोमेटिकली मेरी वीडियो के नीचे शो हो रहा होगा कि मैं बोल जा रही हूँ। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, उनको आसानी होगी आपकी वीडियो को और ज़्यादा समझने में। लेकिन नया फीचर है, मे बी इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हों, कुछ फ्लॉज हो, और आई थिंक यही फ्लॉज हो सकते हैं कि यही फॉल्ट हो सकते हैं कि मे बी वो आपकी वॉइस को ठीक तरह से रिकग्नाइज नहीं कर पाए। अगर आप किसी और लैंग्वेज में बोल रहे हो लाइक हिंदी और उर्दू और एनी अदर लैंग्वेज, तो मे बी वो उसको ठीक से समझ ना पाए। लेकिन अगर आप लोग इंग्लिश बोल रहे हो और उसको ठीक तरह से प्रोनाउंस कर रहे हो तो वो आपकी वॉइस को ऑटोमेटिकली अच्छे से रिकग्नाइज करेगा और एज अ कैप्शन बनाकर उसको नीचे आपकी वीडियो के नीचे शो करेगा, ठीक है। जो नेक्स्ट फीचर है जो कि यूट्यूब अपने इंटरफेस में इम्प्लीमेंट करने वाला है कुछ टाइम बाद, वो ये है कि जब आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हो तो साइट पर जो लोग आप लोगों के कमेंट्स कर रहे होते हैं आपकी वीडियो को देखते हुए, तो वो कमेंट्स जब आप लाइव स्ट्रीमिंग खत्म कर देते हो तो वो कमेंट्स भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं, राइट? बट आप ये इस फीचर के बेस के ऊपर ये देखेंगे कि ये सुनने में आ रहा है कि जो कमेंट्स होंगे ये डिलीट नहीं होंगे, बल्कि वो आपकी वीडियो के साथ रहेंगे। जब आप लोग उसको डन कर दोगे अपनी वीडियो को तो वो कमेंट्स डिलीट नहीं होंगे, ठीक है। जो थर्ड फीचर है जो यूट्यूब इम्प्लीमेंट करेगा वो ये है कि जब आप लोग का मोबाइल के थ्रू कोई वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते हो या करोगे या कोई लाइव स्ट्रीमिंग अपलोड करोगे, तो उससे ये होगा कि वो आपको एक न्यू फीचर प्रोवाइड करेगा जो कि वहाँ पे अवेलेबल होगा, जिसके थ्रू आप लोग अपने जियोग्राफिकल लोकेशन ऐड कर सकोगे। लाइक आप लोग कौन से लोकेशन के ऊपर ये वीडियो अपलोड कर रहे हो, कौन से लोकेशन पे आप हो, ठीक है, जहाँ पर आप लोग ये वीडियो अपलोड कर रहे हो। और इसका फ़ायदा आई थिंक मेरे ख्याल से ये होने वाला है यूट्यूब क्रिएटर्स को कि लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक लोकेशन के ऊपर 3-4 वीडियोज़ अपलोड किया, मेरी कोई एक वीडियो कोई मेरा व्यूअर देख रहा है, ठीक है, तो आई थिंक सजेस्टेड वीडियोज़ पे बाकी वो वीडियोज़ भी शो होंगी जो कि मैंने उसी लोकेशन के ऊपर रहते हुए अपलोड की हुई होंगी, तो इससे आपके व्यूज़ के ऊपर काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। लाइक सजेस्टेड वीडियोज़ में आपकी वीडियोज़ आएंगी तो लोग मे बी आपकी एक वीडियो वॉच कर रहे हैं तो दूसरी वीडियो भी वॉच करें, तो इससे यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। आई होप आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना। अल्लाह हाफिज़।